हेलो, आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिप पेन के बारे में। इसे हिप पेन कह लीजिए, इंग्विनल पेन कह लीजिए या ग्रोइन पेन कह लीजिए, वन एंड द सेम थिंग। आजकल हिप पेन बहुत कॉमन हो रहा है क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ हिप को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, जैसे जिमिंग हो गया, रनिंग हो गया या गार्डनिंग करते हैं लोग, तो हमारे जो हिप मसल्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाता है उनका और वो हिप स्टेबलाइजर्स हिप को स्टेबल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हिप पेन शुरू होता है। इसको ग्रोइन पेन ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि जो हमारे हिप मसल्स होते हैं वो डेली एक्टिविटीज़ में उसका कम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट में बहुत ज़्यादा रोल रहता है, और जब ये रोल इम्बैलेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो हमें हिप पेन शुरू हो जाता है। हिप पेन हमेशा इस ग्रोइन एरिया में फील किया जाता है। ग्रोइन एरिया होता है जो हमारा इनर थाई पोर्शन होता है। हमारा मोस्टली 90% केसेस में ये पेन हमेशा मस्कुलर पेन होता है क्योंकि हम ओवर यूज़ करते हैं या ओवर स्ट्रेच हो जाता है हमारे एडक्टर यानी कि इनर थाई मसल्स का, तो हमें चलने में या हमारी लेग मूवमेंट में हमें पेन फील होता है। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ टेक्निक्स बताऊंगा और एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिसकी हेल्प से हम इस पेन को ठीक कर सकते हैं और अपने हिप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ग्रोइन पेन इंजरी होती कैसे है? जब भी हमारा पैर स्लिप करता है तो जैसे ही हमारा ये इनर थाई मसल ओवर स्ट्रेच हो जाता है, या जिम में जब हम एक स्प्लिट एक टेक्निक होती है जिसमें हम अपनी लेग्स को स्ट्रेच करते हैं, जब ये ओवर स्ट्रेच हो जाता है या ओवर यूज़ हो जाता है हिप का, तो ये ग्रोइन पेन शुरू हो जाता है। जब ये एक्यूट ग्रोइन पेन होता है तो सबसे पहले हमें आइसिंग करनी होती है विद इन 48 आवर्स, ताकि इस मसल की इन्फ्लामेशन को कंट्रोल में किया जा सके। और उसके बाद एक स्टेयर पे खड़े होकर, मान लीजिए मेरा ये राइट वाला हिप जो है या ग्रोइन है, इसमें मेरे पेन है, तो इस स्टेयर पे खड़े होकर इसे पेंडुलम मूवमेंट देंगे अपने पैर को बिल्कुल ढीला छोड़कर। इस पेंडुलम मूवमेंट से क्या होगा कि जो हमारे मैकेनोरिसेप्टर्स होते हैं और जो हमारे हिप मसल्स होते हैं वो जब पेंडुलम में मूव करेंगे तो वो हिप पेन को कम भी करेंगे और मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन भी नहीं करेंगे। तो ये एक्सरसाइज सबसे पहली एक्सरसाइज है जो हमें आइसिंग के बाद शुरू कर देनी है। पूरा वेट अनअफेक्टेड लेग पर रखकर और अफेक्टेड लेग को नीचे ड्रॉप करेंगे और पेंडुलम की तरह इसे मूव करेंगे। ये मूवमेंट हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी हिप का पेन और ग्रोइन का पेन कम करने के लिए। अब जब एडक्टर मसल यानी कि इनर थाई मसल जब ये टियर होता है या इसका ओवर स्ट्रेच होता है तो ये पेन में रहता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल इसका जो ऑपोजिट मसल है यानी कि एबडक्टर, उसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि हम जब आइसोमेट्रिकली एबडक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका एंटागोनिस्ट यानी कि ऑपोजिट मसल ऑटोमेटिकली रिलैक्स करेगा, यानी कि हिप एबडक्टर मसल मतलब बॉडी सिग्नल भेजेगी कि उसको ऑपोजिट मसल यानी कि एडक्टर को रिलैक्स किया जाए। उसकी टेक्निक ऐसे आएगी, बिल्कुल दीवार के साथ होल्ड होके अपनी लेग को हल्का सा बेड की हाइट से उठा के अब मैं अपने पैर से अपनी लेग से दीवार को पुश करूँगा आइसोमेट्रिकली। अब मेरा जो फोर्स लग रहा है वो दीवार की तरफ लग रहा है, इसको 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और ये मेरे आउटर हिप पे पूरा स्ट्रेस आ रहा है, पर इसका ऑपोजिट यानी कि मेरा एडक्टर ये रिलैक्स हो रहा है, फिर रिलैक्स। एक बार फिर देखिए, इसको 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, अब मेरा पूरा जोर दीवार की तरफ लग रहा है, फिर हम रिलैक्स करेंगे। कुछ हिप पेन या ग्रोइन पेन हमारे ओवर यूज़ ऑफ हिप फ्लेक्सर्स की वजह से होते हैं, जैसे हम स्क्वाटिंग करते हैं या ओवर यूज़ करते हैं अपनी नी स्ट्रेंथनिंग के लिए, बार बार हिप का यूज़ करते हैं, तो उनको रिलैक्स करने के लिए हम अपने ग्लूटियस यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स माने जाते हैं ग्लूटियस मसल, जो हमारे हिप को पीछे की ओर लेके जाते हैं एक्सटेंशन में, उसकी एक्सरसाइज के लिए हम इस तरह से टॉवल को रोल करके, थोड़ा बड़ा रोल होना चाहिए ताकि हमारा जो नी है वो नीचे ना लगे, और हील के नीचे इसको रखेंगे। अब हील से मैं टॉवल को डाउनवर्ड प्रेस करूँगा यानी आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करवाऊँगा अपने ग्लूट्स को। ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने का फ़ायदा ये होता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे ऑपोजिट यानी कि हिप फ्लेक्सर्स वो रिलैक्स करेंगे। ये बड़ी अच्छी टेक्निक होती है मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। इसको भी हम 10 सेकंड होल्ड करेंगे और प्रॉपर हील के नीचे रख के इसको प्रेस करेंगे। इसमें हम दूसरी लेग को फोल्ड कर लेंगे ताकि बाकी पेल्विस पर कोई स्ट्रेस ना आए। इस तरह से हम अपने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स दोनों को
आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, रिलैक्स। ग्रोइन पेन और हिप पेन होने का सबसे बड़ा कारण मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारे हिप फ्लेक्सर्स टाइट होते हैं, उसके लिए मैंने एक टेक्निक अभी आपको एक्सप्लेन की कि हम ग्लूटियस की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवा के अपने फ्रंट मसल यानी कि हिप फ्लेक्सर्स को रिलैक्स करवा सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड टेक्निक है कि हम हिप फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग कैसे करें। इसके लिए हमें एक कुशन या पिल्लो लेके अपने अफेक्टेड नी को उसके ऊपर रख के अब जो हमारी अनअफेक्टेड लेग है उसके ऊपर पूरा वेट डाल दें, इस तरह से स्टेबल करें। और अब जो मेरे स्ट्रेच आ रहा है हिप फ्लेक्सर्स पे, ये इसको रिलैक्स भी करेगा और मेरी ग्रोइन पेन और अब ग्रोइन पेन को और हमारे हिप फ्लेक्सर्स को रिलैक्स करके पेन को भी रिलैक्स करेगा। जब हमारे मसल्स टाइट होते हैं या इनर थाई मसल्स में जब हमारे एडहेजन्स बन जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं और हमारे हिप मूवमेंट करने में किसी किसी एंगल पे पेन ज़रूर आता है। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत स्पेशल डिवाइस है जो कि ये जिसकी सिलेंड्रिकल ग्रिप होती है, जिससे हम अपने जो कि टेंडर पॉइंट है, आपको एक टेंडर पॉइंट ज़रूर फील होता होगा इनर थाई में या फ्रंट थाई में, उसको प्रेस करते करते इनर थाई की तरफ मूव करिए नीचे की ओर। ये एडहेशंस ब्रेक करने के लिए सबसे अच्छा टूल है और इसको कम से कम 20-30 टाइम्स जितना आप प्रेशर फील कर सकें और बियर कर सकें उसको नीचे की ओर ध्यान से देखिए। इनर थाई की तरफ हमारे मसल एडहेशंस को, ये मायोफेशियल रिलीज इसको टेक्निक बोलते हैं, फेशिया से प्रेशर हटा के उसकी फाइबर्स खोल के इससे हम अपने हिप को फ्लेक्सर्स को काफ़ी रिलैक्स कर सकते हैं और स्ट्रेचिंग के बाद या स्ट्रेचिंग से पहले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी आपकी हिप पेन कम करने के लिए। तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचेज जिससे आप अपनी ग्रोइन पेन और इनर थाई पेन को ठीक कर सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें ग्रोइन पेन मस्कुलर ना होकर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से होता है, स्पेशली फीमेल्स में, जबकि कोई सिस्ट की वजह से या कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है जबकि पेन हमारा इनर थाई की ओर रेडिएट करता है किसी ऑर्गन से, तब आप अपने मेडिकल एक्सपर्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, उनकी सलाह ज़रूर लीजिए। ऐसे ही हेल्दी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।